आप आज भारतीय जनता पार्टी को एक पॉलिटिकल हैवीवेट की तरह जानते हैं। The NDA has won the election of 2014. Prime Minister Narendra Modi storming back to power. His party winning over 300 seats. Narendra Modi ने की है शानदार, जानदार, धमाकेदार वापसी। ऐसी वापसी जो दशकों तक याद की जाएगी। With a clear win in 3 out of 4 state elections, India's ruling party, the Bharatiya Janata Party, has cemented its foothold on the national elections. आज हमने अपनी आंखों से 500 साल के बाद राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होते हुए भी देखी है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जिसका बीजेपी का एक मेन स्ट्रीम पोलिटिकल हैवीवेट बनने में और राम जन्मभूमि मूवमेंट में बहुत बड़ा हाथ रहा है। ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे। आई एम इन पॉलिटिक्स एंड आई विश आई कुड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स चेंजिंग द इमेज ऑफ द अगली इंडियन पॉलिटिशियन। बट फॉर ऑल इंडियंस अ ग्रैंड मंदिर फॉर श्री राम एट राम जन्मभूमि हैज बीन अ डिजायर एंड मिशन। आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये है भारत के सबसे महान बेटों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी की कहानी। हेलो हेलो, श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ सेक्युलरिज्म का सीईओ और आप सबको एक सेक्युलर प्रणाम। तो इस बायोग्राफी सीरीज में हम बात करेंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी की। आडवाणी जी का जन्म 1926 में अनडिवाइडेड इंडिया के कराची में हुआ था। वो बचपन से ही स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते थे और इसीलिए बहुत छोटी सी उम्र में ही उनका अपने धर्म और अपने देश के प्रति बहुत सेवा भाव था। उन्होंने 14 साल की एज में ही RSS को ज्वाइन किया था और काफी कम समय में RSS के एक प्रचारक भी बन गए थे। उनके कार्यकाल के समय कराची में RSS काफी इन्फ्लुएंशियल भी बन रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसी समय भारत का बंटवारा हो गया। और पार्टीशन की वजह से आडवाणी जी का बहुत दिल टूटा था और पार्टीशन के हॉरर्स को देख के उन्होंने कसम खाई कि दोबारा कभी भी भारत के साथ ऐसी चीज नहीं होने देंगे। और भारत को और भारत की सोसाइटी को मजबूत और यूनाइटेड बनाने के लिए उन्होंने भारत में भी RSS ज्वाइन किया। लेकिन आडवाणी जी पार्टीशन को देखकर और मुस्लिम लीग की इस्लामिक अलगाववाद को और एक्सट्रीमिज्म को देखकर इतना तो समझ गए थे कि अगर भारत को अगले पार्टीशन से बचाना है तो हिंदुत्व को सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं बल्कि पॉलिटिक्स में भी सक्सेसफुल होना पड़ेगा। और इसीलिए कुछ सालों के बाद उन्होंने पॉलिटिकल आउटफिट जनसंघ को भी ज्वाइन किया। जनसंघ के प्रति उनकी ईमानदारी और उनका डेडिकेशन और उनका हार्ड वर्क देखकर फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत इंप्रेस हुए थे। इसीलिए बहुत जल्द ही और बहुत कम समय में वो जनसंघ के भी एक बड़े लीडर बन गए। उनके रेपुटेशन और उनके काम की वजह से उन्हें 1973 में जनसंघ का अध्यक्ष बना दिया जाता है और उसके जल्द बाद ही इंडिया में एक बहुत बड़ी घटना होती है, इमरजेंसी। लोगों के सामने अब एक ऐसा नेशन होता है जिसकी डेमोक्रेसी पिंजरे में बंद तोते के समान रह जाती है। वो अपने फंडामेंटल राइट्स खो चुके होते हैं, प्रेस अपनी फ्रीडम खो चुकी होती है और कई नेता सलाखों के पीछे होते हैं जो देश की सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। इमरजेंसी के समय पे जनसंघ के कई बड़े लीडर्स को जेल में डाल दिया जाता है। आडवाणी जी को भी अरेस्ट किया गया था। आडवाणी जी ने दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स के साथ मिलकर भारत की डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए इमरजेंसी के खिलाफ भी लड़ाई की थी और 1977 में जनसंघ ने दूसरे ऑपोजिशन दलों के साथ मिलकर जनता पार्टी बनाई। ये संगठन चुनाव के बाद जल्दी हम बना देंगे और जनता के सामने हम पेश करेंगे। और पहली बार कांग्रेस को नेशनल इलेक्शंस में हार का सामना करना पड़ा। The replacement after 30 years in power of India's Congress Party. The feeling grew that Mrs. Gandhi was incredibly out of touch with the masses with whom she'd always identified. ये युग परिवर्तनकारी संकेत हैं। जनता की ललक, आपकी आशाएं आकांक्षाएं अमूर्त रूप ले रही हैं। मुरारजी देसाई की लीडरशिप में जनता सरकार में आडवाणी जी इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर बनते हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा। लेकिन कुछ ही महीनों में इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स की वजह से ये सरकार भी गिर जाती है। उसके बाद अटल जी और आडवाणी जी ने मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी का गठन किया। 6 अप्रैल 1980 को अटल बिहारी वाजपेयी तथा लाल कृष्ण आडवाणी ने
भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। 1977 में जनसंघ ने दूसरे ऑपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के खिलाफ इलेक्टोरल जंग छेड़ी। भारतीय जनता पार्टी का मेन गोल था कि कांग्रेस के खिलाफ एक मजबूत नेशनलिस्टिक पॉलिटिकल अल्टरनेटिव डेवलप किया जाए और हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फाइनली पॉलिटिकल आवाज दी जाए। और जिस समय पर ये पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस जैसे जगरनॉट से लड़ने की तैयारी कर रही थी, उसी समय पंजाब में बहुत खराब हालात भी चल रहे थे। आडवाणी जी ने पंजाब में बिगड़ते हुए हालातों के बारे में भी डिटेल में लिखा था। आडवाणी जी का मानना था कि अगर खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट के खिलाफ इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने शुरुआत में ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया होता तो 1980s की इंसर्जेंसी की हालत पंजाब में नहीं आती और शायद आज जिस तरह से अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और कनाडा में खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म फैल रहा है, शायद वो भी नहीं फैलता। 1984 में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ एक पहला बड़ा इलेक्शन लड़ा जिसमें उनकी सिर्फ 2 सीटें आईं। साल 1980 में बनी भारतीय जनता पार्टी का ये पहला आम चुनाव था और इस पहले आम चुनाव में उतरी बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली थी। खुद अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना चुनाव हार गए। उस समय पर इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ था। इंदिरा गांधी, the Prime Minister of India, has been shot and very gravely wounded. Former Indian Prime Minister Indira Gandhi was assassinated by her own security guard. और कांग्रेस के जो प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे राजीव गांधी, उनकी तरफ भारत के सभी लोगों को सिंपथी थी और इसलिए राजीव गांधी ने बहुत बड़ी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाई। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद राजीव गांधी ने बीजेपी पर तंज भी कसा क्योंकि उनकी 2 सीटें आई थी। तो राजीव गांधी एलके आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी पर अक्सर जोक किया करते थे, हम दो हमारे दो, विच टू बी ऑनेस्ट इज अ गुड जोक। बीजेपी की इतनी बुरी परफॉर्मेंस के बाद लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी की प्रेसिडेंटशिप अपने अंडर ली और उन्होंने अपनी नाउ आइकॉनिक रथ यात्रा शुरू की ताकि बीजेपी को पूरे देश में एक्सपोजर और पॉपुलैरिटी मिल सके। बीजेपी 80s के डेकेड में एक ऐसा मुद्दा ढूंढ रही थी जिस मुद्दे से पूरा देश उनके साथ जुड़ सके और वो मुद्दा बीजेपी को फाइनली मिला राम जन्मभूमि मूवमेंट के रूप में। चलाना छोड़ दिया, बंदूक चलाना सीखेंगे और हमारी प्रशासन जो है यही अब चाह रही है और यही करेंगे। जो अयोध्या में जो मंदिर है वो हिंदुओं का है, वो आज से नहीं सदियों पुराना है। उसको मुसलमान लोग भाई तोड़ के बनाया, उसको तो हम मानने को तैयार नहीं है। 1990 में आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा की शुरुआत की जिसमें उन्होंने डिमांड किया कि बाबरी मस्जिद जो ओरिजिनल राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई है उसको हटाकर उस जगह पर दोबारा एक भव्य राम मंदिर बनाया जाए। इस मस्जिद को सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए बनाया गया है और अब भारत के हिंदू ये इंसल्ट नहीं सहेंगे। रथ यात्रा बिहार में प्रवेश कर चुकी थी, समस्तीपुर में एक बड़ी रैली होनी थी, बीजेपी और उसके सहयोगी पूरी तरह से तैयार थे। क्योंकि ये जो रथ है लोक रथ है, जनता का रथ है। जब कार सेवा का कार्यक्रम होगा हम आएंगे कार सेवा में मंदिर के निर्माण। ये यात्रा काफी डेयरिंग थी क्योंकि ये यात्रा ऐसे समय पर निकाली गई थी जब भारत की लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी आज के समय से भी खराब थी। भारत में आए दिन दंगे हुए करते थे, बड़े बड़े आतंकवादी अटैक्स भी इस डेकेड में हुए थे और ऐसे माहौल में आडवाणी जी ने भव्य और बड़ी बड़ी रथ यात्राएं निकाली थी। 1991 में आडवाणी जी ने एकता यात्रा नाम की भी एक रथ यात्रा निकाली थी जिसमें वो पूरे देश को यूनाइट करने की बात कर रहे थे। ये यात्रा उन्होंने श्रीनगर से स्टार्ट की थी। इस यात्रा का एक और मकसद था कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उसके बारे में पूरे देश को अवेयर करना। कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकता यात्रा की। आडवाणी जी की प्रो नेशनलिज्म और प्रो हिंदुत्व के आइडियाज से उनको पूरे देश से सपोर्ट मिलने लगा। उन्होंने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली। इस यात्रा में नरेंद्र मोदी भी एज अ कार्यकर्ता शामिल हुए थे। 1990 में बिहार के समस्तीपुर में उस समय के चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी जी की रथ यात्रा रोक कर उन्हें गिरफ्तार भी किया था। आप ही गिरफ्तार कीजिए वरना मुलायम को इसका राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। ऐसा है, ठीक है, आडवाणी जी को अभी गिरफ्तार कराए दे रहे हैं। और लालू जी को तो आप जानते ही हैं, आडवाणी जी के रथ को रोका था। रथ सज धज के तैयार है जैसे अंतिम विदाई किसी को दिया जाता है। लेकिन इसका इफेक्ट बिल्कुल उल्टा पड़ा। इस गिरफ्तारी के बाद आडवाणी जी की पॉपुलैरिटी में और भी बड़ा जंप आया और इन बड़ी बड़ी रथ यात्राओं की वजह से बीजेपी की पॉपुलैरिटी भी बहुत बढ़ी। इनफैक्ट उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ी कि 1984 में सिर्फ 2 सीटें आने के बाद 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन गई। हालांकि ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पाई और 13 दिनों में ही गिर जाती है, लेकिन बीजेपी अब एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आउटफिट बन चुकी थी और एक लेजिटिमेट कांग्रेस पार्टी का अल्टरनेटिव बन चुकी थी। और 1998 में फिर से बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई और अटल बिहारी वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। इस परफॉर्मेंस के बाद 3 बार लगातार एलके आडवाणी जी को बीजेपी के अध्यक्ष की तरह चुना गया। बीजेपी को 4 बार राज्यसभा के लिए और 5 बार लोकसभा के लिए भी चुना जाता है। मैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, मैं लाल कृष्ण आडवाणी, मैं
लाल कृष्ण आडवाणी। और ये कहना बिल्कुल सही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ है बीजेपी को एक नेशनल पॉलिटिकल आउटफिट बनाने में। आडवाणी जी अपने करियर में और भी कई बड़ी बड़ी यात्राएं निकाल चुके हैं। 2006 में उन्होंने भारत सुरक्षा यात्रा निकाली थी जब बीजेपी ऑपोजिशन में थी, जहां पर उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाई थी। 2 मई को लाल कृष्ण आडवाणी का रथ जयपुर पहुंचा। जयपुर में भी रथ का स्वागत करने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। 1997 में उन्होंने स्वर्ण जयंती रथ यात्रा भी निकाली थी, जिसमें आडवाणी जी इंडिया ने किस तरह से इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप किया है उसको शोकेस करना चाहते थे। जन जागरण और देश के कोने कोने में राष्ट्र प्रेम के संदेश को पहुंचाने के लिए यात्रा के माध्यम का उपयोग किया। जब बीजेपी ने 1990s में गवर्नमेंट बनाई, उस समय भी एलके आडवाणी जी उस गवर्नमेंट की कुछ सबसे बड़े डिसीजंस में इन्वॉल्व थे। एलके आडवाणी जी, जिन्होंने अपनी आंखों से पार्टीशन को होते हुए देखा था, उनका एक बड़ी प्रायोरिटी थी नेशनल सिक्योरिटी को तंदुरुस्त करना। बीजेपी गवर्नमेंट ने मॉडिफाइड पुलिस स्कीम को लॉन्च किया, जिसने पुलिस फोर्सेस को एडवांस वेपन्स, नई पुलिस बिल्डिंग्स, बेहतर पुलिस हाउसिंग और बेहतर कम्युनिकेशन डिवाइसेस अलॉट किए गए। जैसा कि मैंने कहा, ये ऐसा समय था जहां पर बहुत रेगुलरली भारत में आतंकवादी अटैक्स होते थे। मामला 22 दिसंबर साल 2000 का है, जब लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने लाल किले पर हमला कर दिया था। 2001 के संसद हमले में साजिश का दोषी था अफजल गुरु। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट 2002, जिसे पोटा भी कहा जाता है, उसे इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके इंप्लीमेंटेशन के पीछे भी आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ था। पोटा से अथॉरिटीज को पहले से ज्यादा पावर और फ्रीडम मिली टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे इनिशिएटिव्स को भी बेहतर करने में आडवाणी जी ने एक मेजर रोल प्ले किया। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को काउंटर करने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए गए। बॉर्डर्स पर हैवी फेंसिंग और एडवांस मॉनिटरिंग टेक्नोलॉजीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और भी कई बड़े स्टेप्स थे, जैसे पोखरान 2 का सक्सेसफुल परीक्षण और इंडिया को एक न्यूक्लियर स्टेट बनाना, जिससे इंडिया की डिटेरेंस कैपेसिटी बेसिकली 100 गुना बढ़ गई। पोखरण में चाहे हमारी सेना में हो, चाहे वैज्ञानिकों में हो, चाहे इंजीनियर्स में हो, कोई बिकाऊ आदमी नहीं निकला। हमको ऐसा नहीं हुआ कि जो हमको जांच करनी पड़े कि कैसे पता लग गया लोगों को। अब जांच उनको करनी पड़ती है कि हमको कैसे पता नहीं लगा। हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। मैं उपास क्यों, एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकता। उनके ही टेन्योर में भारत ने अपना पहला अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट भी किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स, तेजस एयरक्राफ्ट और अर्जुन जैसे हाईटेक टैंक भी इस समय पर टेस्ट किए गए। बीएसएफ, सीआईएसडी, सीआरपीएफ जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी एक्सपेंशन किया गया। इस समय पर होम मिनिस्टर और डिप्टी पीएम की कैपेसिटी में उन्होंने दूसरे देशों का भी दौरा किया और अमेरिका जैसे देशों के साथ बेहतर रिलेशनशिप भी डेवलप की। US businesses can begin selling nuclear fuel, technology and reactors to India. The Senate voted to overturn the 3-decade ban on atomic trade with India on Wednesday. Civil nuclear samjhota Bharat aur America ke beech ho gaya hai, aisa elan kiya gaya, the deal is done. Jo relationship 80s aur 90s ke dashak mein kafi kharab ho gayi thi aur is behtar relationship ko fir UPA ki government ne bhi aage badhaya jab India aur US ke beech mein aitihasik nuclear deal sign ki gayi. Advani ji article 370 abrogation, uniform civil code aur NRC jaise national issues par bhi kaam karna chahte the, lekin unfortunately inko implement karne ke pehle BJP power se bahar chali gayi. Isiliye jab 2019 mein article 370 ka kalank Bharat ke mathe se permanently hataya gaya, tab unhone personally Modi government ko dhanyawad kaha tha. Lal Krishna Advani ne बहुत खुशी जाहिर की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को कंग्रेचुलेट किया है। आडवाणी जी का इतने सारे डेकेड्स का करियर रहा है और इतने बड़े करियर में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही हैं। उनके करियर में कुछ बड़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी। 1996 में जनरल इलेक्शन से ठीक पहले कांग्रेस गवर्नमेंट ने एलके आडवाणी के ऊपर हवाला के चार्जेस लगाकर उनकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी। चार्जेस लगते ही आडवाणी जी ने पॉलिटिक्स से ब्रेक लिया था और इस केस को हाईकोर्ट में चैलेंज किया, लड़ा और जीता। 2005 में एलके आडवाणी जी पाकिस्तान जाते हैं, जहां पर उन्होंने जिन्ना की कब्र पर चादर चढ़ाई और मोहम्मद अली जिन्ना को एक सेक्युलर लीडर भी कहा था, जिस स्टेटमेंट की वजह से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई इंडिया में। उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने आज तक को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि उन्हें जिन्ना को देशभक्त करार देने के अपने बयान पर कोई अफसोस नहीं है। उनको अपने खुद की पार्टी से बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, उनके सपोर्टर से भी बहुत क्रिटिसिज्म सहना पड़ा। आडवाणी जी नेहरू को भी काफी प्रेस करते थे, जिसकी वजह से उनको काफी क्रिटिसिज्म सुनना पड़ा। नेहरू जी की उपलब्धि थी कि उन्होंने स्वतंत्र भारत के बाद तुरंत
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लाई। अडवाणी जी की लीडरशिप में पाकिस्तान के साथ इंडिया ने एक पीस ट्रीटी भी साइन की थी, लेकिन जिस तरह सलमान खान का कुंवारापना नहीं जाता, उसी तरह से पाकिस्तान का हरामीपना नहीं जाता। तो पाकिस्तान जैसे दोगले और आतंकवादी देश के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करने के लिए भी उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया था। लेकिन इन सारी कॉन्ट्रोवर्सीज के बावजूद इस बात पे कोई डाउट नहीं उठाया जा सकता कि आडवाणी जी ने अपनी पूरी जिंदगी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक भारत के धर्म और भारत माता की सेवा में लगा दिया। इस कॉन्ट्रीब्यूशन को 2015 में एक्नॉलेज भी किया गया जब एल के आडवाणी जी को पद्म विभूषण दिया गया। अमंग द रेसिपिएंट्स ऑफ द पद्म विभूषण वाज सीनियर लीडर ऑफ द बीजेपी एल के आडवाणी। और इसलिए ये माना जाता है कि बीजेपी अगर आज आर्टिकल 370 को हटा पाई है, राम मंदिर बनवा पाई है, इस सोच की नींव, इस संघर्ष की नींव, इस उज्जवल भारत की नींव रखने के पीछे लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ है। और इसीलिए आडवाणी जी को जब भारत रत्न भी मिला तो इस बात में किसी को कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे भी कुछ इंटरेस्टिंग रिएक्शंस आए, क्योंकि एल के आडवाणी एक इतने बड़े और टावरिंग पॉलिटिकल फिगर है, तो ऑपोजिशन लीडर्स ने भी जो बीजेपी से किसी भी मामले पर अग्री नहीं करते, उन्होंने भी आके इस अवार्ड की तारीफ की। आडवाणी जी को जो दिए हैं ठीक है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन ओवैसी जैसे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो खुश नहीं थे। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आल्सो हैज जंप्ड इन टू क्लेम दैट द गवर्नमेंट इज सेंडिंग आउट अ रॉन्ग मैसेज बाय अवार्डिंग भारत रत्न टू एल के आडवाणी। सेवरल पीपल डाइड एट प्लेसेस वेयर ही हैड टेकन आउट हिज रथ यात्रा फ्रॉम इन द 1980s। अखिलेश यादव जैसे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनके पिताजी ने साम दाम दंड भेद सारी कोशिशें की थी राम मंदिर को बनने से रोकने के लिए, वो भी खुश नहीं थे। ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है। RJD जिस पार्टी ने समस्तीपुर में आडवाणी जी की रथ यात्रा रुकवा कर उन्हें अरेस्ट किया था, उनके भी MP खुश नहीं थे। हमने अपनी ऊर्जा उस विवाद में खोई है जिसके जनक थे आडवाणी जी, मंदिर मस्जिद विवाद। और भी कई लोग थे जो सोशल मीडिया पर आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने से खुश नहीं थे। लेकिन देखिए, एट द एंड ऑफ द डे ये सिर्फ इस बात को हाईलाइट करता है कि आडवाणी जी का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हिंदुत्व मूवमेंट को ना सिर्फ सोशली लेकिन पॉलिटिकली सक्सेसफुल बनाने में। अगर इनकी रथ यात्राएं ना होती तो क्या राम जन्मभूमि मूवमेंट के लिए भारत के लोगों में इतना जुनून आता? क्या 1996 में बीजेपी एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल आउटफिट बन पाती? क्या 1998 में बीजेपी गवर्नमेंट बना पाती? आज की जो अचीवमेंट्स बीजेपी एब्सोल्यूट मेजोरिटी से कर पा रही है, जैसे राम मंदिर को बनवाना, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को पास करवाना, फ्यूचर में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लाना, शायद ये सब लाल कृष्ण आडवाणी जी के बिना पॉसिबल ना हो पाता। इसलिए मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ कि LK आडवाणी जैसे महान देशभक्त की भारत की तरफ विशाल कॉन्ट्रीब्यूशन को भारत रत्न से रिकॉग्नाइज किया गया है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से भारत की तरफ उनकी सबसे बड़ी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रही है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी गाइज, अगर आपने अभी तक हमारे पॉडकास्ट चैनल को चेकआउट नहीं किया है तो उसको जाके जरूर चेकआउट करें। मैंने हाल में ही आनंद रंगनाथन के साथ एक बड़ा पॉडकास्ट किया राम मंदिर के बारे में। हाल में ही इंडिया के एक MMA फाइटर वरुण सान्याल के साथ भी MMA और UFC के बारे में काफी डिस्कशन किया है। तो अगर उसमें आपको इंटरेस्ट है तो नीचे पॉडकास्ट के चैनल के लिंक पर क्लिक करें और उस पॉडकास्ट को भी जाकर चेकआउट करें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा, और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, फिर मिलेंगे। और आप सबको एक सेकंड।